Hello everyone, welcome to English classes with lesson 2, How the Dome Found Himself a Master, Word Meaning and Hindi Explanation, Class 6. Word Meaning, ill-pleased, old-fashioned way of saying not happy. Purani fashion ke anusar ye kehna khush nahi hai. Kinsman, old-fashioned word for a relative. Purani fashion ke anusar ek shabd rishtedar ke. Fires, violent, frightening, hinsak ya drawna. Take up service with, became the servant of, nokar banna. Darted, moved quickly, suddenly, achanak se या जल्दी से मुड़ना. कम ओवर यू, अफेक्टेड यू, प्रभावित करना. डेयर, टू बी ए ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, कुछ भी करने के लिए बहादुर बनना. क्लिफ, स्टीप, हाई रॉक, ऑफन एट द एज ऑफ द सी, एक खड़ी या ऊंची चट्टान जो लगभग समुद्र के किनारे मिलती है. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड, शायद तुम जानते होंगे कि कुत्ते और भेड़िए एक दूसरे के जैसे हैं. यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज, और आप ये भी जानते होंगे कि बहुत सी सदियों से ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल, मनुष्य जंगली जानवरों को अपने काबू में रखता है और उन्हें पालता है. हियर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल, यहाँ एक ये कहानी है कि किस प्रकार से एक कुत्ता पालतू जानवर बनता है. हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, कि किस प्रकार से एक कुत्ते ने अपने लिए नया मास्टर खोजा. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम, किसी जमाने में कुत्ते अपने खुद के मास्टर होते थे और जैसे भेड़िए जिंदगी जीते हैं वैसे आजादी से जीते थे. अंटिल ए डॉग वॉज बोर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ, जब तक कि एक ऐसा कुत्ता पैदा हुआ इस प्रकार की जिंदगी जीना पसंद नहीं करता था, इस प्रकार की जिंदगी से खुश नहीं था. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. वह परेशान था और थक गया था इधर उधर घूमते हुए, खुद के लिए खाना खोजते हुए, और वह डराया गया या डर चुका था दूसरे जानवरों से जो उनसे ताकतवर थी. He thought it over, उसने सोचा कि यह बहुत हो गया, and decided that, और उसने फैसला किया कि the best thing for him, कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज होगी, टू डू वॉज टू बिकेम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ, कि वह किसी ऐसे प्राणी का या ऐसे जानवर का नौकर बन जाए जो इस धरती पे सबसे ज्यादा ताकतवर है. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच एज मास्टर, और वह इस प्रकार के मास्टर की खोज में निकल गया. ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह घूमता रहा. एंड ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिज, और वह अपने ही एक रिश्तेदार से मिला. ए बिग वॉल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्गर एज ही वॉज फायर्स, वह उतना ही ताकतवर था जितना वह खुखार था. वेर आर यू गोइंग डॉग, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो. द वुल्फ आस्क, उस भेड़िए ने पूछा. आई एम लुकिंग फॉर, मैं देख रहा हूँ समवन, किसी को, टू टेक अप सर्विस विद, कि कोई मेरा मास्टर बने या मैं किसी का नौकर बनूं. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे भेड़िए. आई डोंट सी व्हाई नॉट, मैं ऐसा कुछ भी नहीं देख रहा कि जिसके लिए मैं ना कहूँ. द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा. एंड दिस एग्रीड अपॉन, और उस पे सहमति हो गई. द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और वो दोनों एक साथ चलने लगे. दे वॉक्ड एंड वॉक्ड, चलते रहे. एंड ऑल ऑफ सडन, और अचानक से, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, भेड़िए ने अपना नाक उठाया. स्निफ्ड, उसने सूंघा. डार्टेड क्विकली ऑफ द पैथ एंड इनटू द बुशेस एंड क्रीप्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वह जल्दी से वहां से मुड़ा, उस रास्ते से हट गया, झाड़ियों में चला गया और गहरे जंगल में खिसक गया. द डॉग वॉज मच सरप्राइज, कुत्ता बहुत ज्यादा अचंभित हुआ. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, तुम्हें क्या हो गया मास्टर, ही आस्क्ड, उसने पूछा. व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, किसने तुम्हें इतना डरा दिया. कांट यू सी, क्या तुम नहीं देखते. देयर इज अ बियर आउट देयर, वहाँ पे एक भालू है. एंड ही माइट इट अप बोथ ऑफ अस, वह हम दोनों को खा सकता है. यू एंड मी, तुम्हें और मुझे. सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, यह देखकर कि भालू भेड़िए से ज्यादा ताकतवर है, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, उसके बाद कुत्ते ने भालू का नौकर बनने की सोचा. एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया. एंड आस्क द बियर, और भालू से पूछा. टू बी हिज मास्टर, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे. द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, भालू इसके लिए आसानी से सहमत हो गया. एंड सैड, और कहा. लेट्स गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, आओ चले और एक गायों का झुंड ढूंढे. आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, मैं एक गाय को मारूंगा और हम दोनों पेट भरकर खाएंगे. दे वॉक्ड ऑन, वो चले गए. एंड सून सॉ ए हर्ड,
ऑफ काउज और जल्दी ही एक गायों का झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइस, उनको एक भयानक शोर ने रोक दिया। द काउज वर मोइंग लाउडली, गाय ऊंचे स्वर में रंभा रही थी एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, और डर के मारे सभी दिशाओं में दौड़ रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, भालू ने पेड़ के पीछे देखा, एंड देन ही टू रन हेस्टली डीपर इन टू द फॉरेस्ट, और वह भी तेजी से गहरे जंगल में दौड़कर चला गया। नाउ अब व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, सेड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा। इट इज द लायन, वहाँ पे शेर है, हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, वह जंगल के इस हिस्से पे शासन करता है। द लायन, शेर, हु इज ही, वह कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वह धरती पे सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर है। वेल देन, ठीक है तब, आई विल से गुड बाय टू यू, तो मैं तुम्हें अलविदा कहूंगा बियर भालू। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं ऐसा ही एक मास्टर चाहता था जो धरती पे सबसे ज्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और कुत्ता वहाँ से चला गया और शेर से पूछता है कि तुम मेरे मास्टर बनोगे क्या। द लॉयन एग्रीड टू इट, शेर इसके लिए सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और कुत्ता उसके साथ रहा और बहुत बहुत लंबे समय तक उसकी सेवा की। इट वॉज ए गुड लाइफ, यह एक अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कम्प्लेन ऑफ फॉर देयर, वहाँ उसको कोई भी शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर कोई नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफर्ड हिम इन एनी वे, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुत्ते को कोई छू सके या फिर उसको किसी भी रास्ते में रोके। बट वन डे द टू ऑफ देम वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग ए पैथ दैट रन ए मिड वेयर क्लिप्स व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लायन स्टॉप्ड, लेकिन एक दिन वो दोनों एक साथ घूम रहे थे एक रास्ते में जहाँ पे चट्टानों के बीच से जा रहा था, तभी अचानक से शेर रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रोर, उसने तेज दहाड़ दी एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और उसने गुस्से से जमीन को खोदा विद हिज पॉज विद सच फोर्स, अपने पंजे की ताकत से दैट ए होल फॉर्म देयर, कि वहाँ पे एक छेद बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और उसके बाद वह धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा। व्हाट इज इट, ये क्या है मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड, कुत्ते ने अचंभित होते हुए पूछा। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मुझे सुगंध आ रही है कि कोई आदमी आ रहा है, द लायन सेड, शेर ने कहा। We had better run for it or we will be in trouble. इससे अच्छा ये होगा कि हम यहाँ से दौड़ चले, नहीं तो हम मुसीबत में होंगे। Oh well, oh सही है, then I will say goodbye to you, तो मैं तुम्हें अलविदा कहूंगा। Lion said, I want a master who is stronger than anyone on earth, मैं एक ऐसा ही मास्टर चाहता हूँ जो धरती पे सबसे ज्यादा ताकतवर हो। And off the dog went to join the man, और कुत्ता वहाँ से चला गया, उसने मनुष्य को ज्वाइन कर लिया। And he stayed with him, और वह उसके साथ रहा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसने उसकी वफादारी से सेवा की। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, यह बहुत बहुत समय पहले हुआ। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, लेकिन आज भी कुत्ता मनुष्य का सबसे निष्ठावान नौकर है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और कोई दूसरा मास्टर भी नहीं जानता। थैंक यू।